के फिरोजाबाद में एक सरकारी अस्पताल में उस वक्त हड़कंप मच गया जब स्टाफ को पता चला कि घूंघट डालकर अस्पताल में आप मरीजों के बीच महिला आईएएस अफसर पहुंच गई। फिरोजाबाद की एसडीएम कृतिराज ने सरकारी अस्पताल का औचक निरीक्षण किया तो अस्पताल में चल रही कई खामियों से पर्दा उठ गया। उन्होंने लापरवाही की जांच आदेश दिए हैं। अब महिला अफसर का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसे समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर शेयर किया है। फिरोजाबाद की एसडीएम सदर कृतिराज ने मंगलवार को दीदामई स्थित सकीला नईम स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया। वह यहां बिना किसी सरकारी अमले और सरकारी गाड़ी लिए साधारण गांव की महिला मरीज की तरह पहुंची। वह घूंघट डालकर अस्पताल के अंदर पहुंची ताकि कोई पहचान न सके। इसके बाद लाइन में लगकर बकायदा पर्ची कटाई। बताया जा रहा है कि अस्पताल प्रशासन के खिलाफ भ्रष्टाचार और खराब व्यवहार की शिकायत मिल रही थी। इसी को जानने के लिए महिला अफसर इंस्पेक्शन करने पहुंच गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक महिला आईएएस को वहां कई गड़बड़ियां मिली। अस्पताल में बहुत सारी दवाइयां एक्सपायर हो चुकी थी। अस्पताल के स्टाफ का व्यवहार भी मरीजों के साथ ठीक नहीं था। इसके अलावा कई कर्मचारी ऑन ड्यूटी होकर अनुपस्थित पाए गए। साथ ही अस्पताल में बेहद गंदगी मिली। इंडिया 24x7 लाइव टीवी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। जी, मेरे पास एक शिकायत प्राप्त हुई थी दीदमई हॉस्पिटल के संबंध में कि वहां पे कुत्ते के काटने के बाद जो इंजेक्शन लगाए जाते हैं, 10 बजे से लोग वहां पे अपना इंतजार कर रहे थे डॉक्टर का और डॉक्टर प्रेजेंट नहीं थे, जिसकी वजह से बहुत अफरा तफरी मची हुई थी। तो जब हम वहां पहुंचे, हम वहां अनोनिमसली घूंघट करके गए थे, हमने पर्ची कटवाई, डॉक्टर से बात की, डॉक्टर का व्यवहार भी उचित नहीं पाया गया। उसके अलावा उनके जब रजिस्टर्स चेक किए गए तो काफ़ी लोग मिसिंग थे, कुछ लोगों की वहां पे सिग्नेचर्स थे फिर भी वो हॉस्पिटल में नहीं पाए गए थे। इसके अलावा वहाँ पे दवाइयाँ जो थी लगभग आधा स्टॉक वहाँ एक्सपायर्ड था जब हम पहुँचे, और जो व्यवस्थाएं थी साफ सफाई की वो भी मेंटेन नहीं थी, इंजेक्शन भी सही ढंग से एक बिठाल के प्रॉपर नहीं लगाए जा रहे थे, किसी भी प्रकार से एक जन सेवा के भाव से कार्य नहीं हो रहा था। तो इन्हीं सारी चीज़ों को हम नोट करके लाए और इस पर हम कार्रवाई कर रहे हैं।